अनुसार युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपक सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सभी नर्सिंग कर्मियों का नर्सिंग दिवस के अवसर पर स्वागत किया, माला पहनाकर और अभिनंदन किया। और इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी नर्सिंग कर्मी भाई जो इस कोरोना महामारी के समय दिन रात अपने परिवार को छोड़कर जो सेवा कर रहे हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ उनको। संकेत वर्मा, युवा मोर्चा शहर जिला मंत्री। सामाजिक सरकार के अंतर्गत हमारी संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में हमारी संस्था द्वारा जो चंद्रवर्धन नगर का सरकारी अस्पताल है उसमें जो नर्सिंग स्टाफ है उनका सम्मान किया गया। लगभग 11 नर्सिंग कर्मियों को हमारे द्वारा मास्क और डॉक्टर साहब जो रमाकांत दीक्षित जी हैं उनको साहित्य और माल्यार्पण कर पूरे स्टाफ को उनका सम्मान किया गया। धन्यवाद। हाँ सर, बस ठीक। आज नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में लालवानी जी की ओर से हमारे नर्सिंग कर्मचारी जो हैं हॉस्पिटल के उनको सम्मानित किया गया है और एक ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इस COVID-19 का जो अभी चल रहा है इसके इस दौर में जो हम लोग हमारे नर्सिंग कर्मी जिस उत्साह से और जिस डेडिकेशन से काम कर रहे हैं इसमें बहुत ज़रूरी है कि इनको समय समय पर हम लोग इनका उत्साह और बढ़ाते रहें जिससे हम सभी को इनकी सेवाएँ निरंतर मिलती रहें। आप सभी का धन्यवाद। मैं आपका नाम मेरा नाम है डॉक्टर कल्पना दीक्षित, मैं यहाँ की प्रभारी हूँ और पीडियाट्रिशियन हूँ, जिसमें GNMTC JLN हॉस्पिटल अजमेर, जाजू कॉलेज, मित्तल कॉलेज, संस्कार कॉलेज, जो भी अजमेर के सभी कॉलेज हैं, RR कॉलेज, उनके सभी नर्सिंग स्टूडेंट मिलकर फ्लोरेंस नाइटेंगल की 2वीं जन्मदिवस मनाया। उसमें हम सभी नर्सिंग स्टूडेंटों ने अपनी हितों की पालना के लिए अपनी मांग भी उठाई और उसके बावजूद पहले के ज्ञापन में हमारी जो पालना नहीं की गई, हम आज से यह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं CMHO सर, जिला कलेक्टर सर और हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी से हमें निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को लेकर हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचा जाए, हमारे हित की पालना की जाए। और हम सब आपसे एक इस मीडिया कर्मियों के माध्यम से हमें ये एक चीज़ आज क्या किया आपने? आज हमने फ्लोरेंस नाइटेंगल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी नर्सिंग साथियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए CMHO ऑफिस अजमेर के बाहर कैंडल जलाया और इसके साथ साथ हमने फ्लोरेंस नाइटेंगल की जन्म दिवस मनाया। और हम नर्सिंग यूनियन के जो भी सदस्य हैं हम सभी एक साथ हैं और हमारी मांगों को लेकर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी मांगे आगे तक आप पहुँचाओ। और हमें यहाँ के CMHO सर डॉक्टर KK सोनी सर, वीर बहादुर सिंह जो यहाँ के प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के और यहाँ के जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा को पिछली बार भी यानी कि हम 2 अप्रैल को और 23 अप्रैल को रेगुलर अपना ज्ञापन सौंप चुके, उसके बाद ना तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कुछ। विश्व में मनाया जाता है, आज उनका 200वां जन्म दिवस है। वैश्विक महामारी COVID-19 के चलते संपूर्ण विश्व में जो नर्सेज कोरोना से लड़ रही हैं उनको आज 200वें जन्मदिवस के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं नर्सेज को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगल ये कहती थी कि सेवा ऐसा भाव होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में नर्सेज को पीछे नहीं हटना चाहिए। आज वो दिन आ गया है। नर्सेज साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आज इस वैश्विक महामारी के खिलाफ हम उनको लड़ना है, पीछे नहीं हटना है, एक कदम आगे बढ़ाकर इस वैश्विक महामारी को पूरे विश्व भर से खत्म करना है। तभी फ्लोरेंस नाइटिंगल जी ने जो उनका उद्देश्य था वो तभी पूरा हो पाएगा, तभी उनको अच्छा लगेगा कि आज जो मशाल मैंने चलाई थी, जो मुहिम मैंने चलाई थी वो तो पूरे विश्व में नर्सेज ने COVID-19 से लड़कर पूरी की। धन्यवाद साथियों, जय नर्सेज, जय फ्लोरेंस नाइटिंगल।